पतंजलि ऋषि का चित्र देख लिया, बोले ये क्या है? बोले वो पतंजलि, बोले मैं तो यूं सोच था वो पतंजलि बिस्किट हो है यो तो ऋषि बैठो है। अरे बोले यो पतंजलि चला हुआ कौन है? बोले पतंजलि चला हुआ यो बाबू। अरे बोला इस बाबा ने तो ऐसे बीज बखेर दिए सिमेटने में नहीं आ रहे। गांव गांव में योग के बीज डाल दिए, जब कोई आकर के यहाँ ये जो गुरुकुलम आपको दिखाया जा रहा है ना, ये 3D नहीं है, ये रियल उसकी पिक्चर है। एक बार जोरदार अभिनंदन है आस्था वाले बच्चों ने, बड़ी अच्छी शूटिंग है। और फिर लाइटिंग के साथ इसकी शूटिंग होती है ना, बहुत जोरदार है। पतंजलि गुरुकुलम सेम आचार्य कुलम, और अभी विश्वविद्यालय के सुंदर सुंदर, ये खाली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और यहाँ कैरेक्टर भी है। कैरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा है कैरेक्टर। कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग, आत्मनिर्माण से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। झोपड़ी उसमें बरसात में पानी टपके, बच्चों ने भी जैसे मैंने अभी नेट GRF का बोला ऐसे नए प्रतिमान घड़े। बोले बाबा जी आप तो गुरु हैं। ठीक है तो आस्था पर तो कल हमने जिनसे बातचीत की वह बहुत ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस उसको शेयर करेंगे जिससे कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। और एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, वो मैंने एक बार तो थोड़ा सा देखो ये भी इतने चालाक है, 10 दिन की मांगेंगे तो उन्हें 5 की तो मिलेगी। महीने की मांग लो तो महीने की मांगो तो 15 दिन की। अच्छे बच्चों, अच्छे बताओ बच्चों, इसमें बात बताओ, तुमको यहाँ रखने में हमारा खर्चा होता है कि भेजने में? देखो इतना बावड़ा, 1 साल की छुट्टी। ये इसको भी घर भेजता हूँ, खड़ा हूँ ना, तो 1 साल की मांग रहा था इसका, इसको अभी से सर्टिफिकेट काट के भेजता हूँ। इतने बावड़े हैं। सुनो बच्चों, हमको आपको यहाँ रखने में पढ़ाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, लाइट पानी खर्च होता है। अच्छा यहाँ रखने में हमको पूरे देश में जो तो विश्वविद्यालय है, बोलो ये जाए तो। सो गाइस 3:30 बजे उठ गए थे आज, और उठ के 3:30 बजे उठ गए थे और उठ के तैयार होके फटाफट गए
शिविर, योगा शिविर में गए थे, जैसा कि मैंने कल बताया था कि योगा होगा। तो आज वैसे काफ़ी मज़ा आया क्योंकि योगा के साथ साथ संगीत भी चल रहा था, तो जब योगा और संगीत एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब होता है, अच्छा लगता है बहुत ही। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने किया, मतलब 4:30 पता नहीं पास वहाँ ग्राउंड में तो हम चले गए थे, साढ़े चार बजे से पहले ही ग्राउंड में चले गए थे। तो 7:30 8 बजे मतलब 7:40 तक हम वहीं पे थे, और उस 7:40 5:30 मतलब 2 घंटे प्रॉपर ये लगा लो कि वैसे तो हम मतलब 4:30 बजे ग्राउंड में पहुंच गए थे और 7:40 तक ग्राउंड में ही थे, तो पर प्रॉपर 2 घंटे तो योगा किया मैंने भी, ठीक है। फिर हुआ यूँ कि मैं सर्दियों के कपड़े तो ला नहीं रखे मैंने, ना मैं शॉल ओढ़ के गई, क्योंकि यहाँ से निकल के देखा गैलरी उसमें क्या कहते उसको बालकनी में देखा तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, मतलब यहाँ ठंड नहीं लग रही थी बालकनी में इतनी, तो मुझे लगा क्या ये ज़रूरत है खाम खाई उस शॉल पड़ी है ठंड के लिए मेरे पास, मेरे को उसको कैरी करना पड़ेगा, तो मैं वो लेके नहीं गई। और फिर जहाँ पे जो शिविर था वहाँ पे बिल्कुल पार्क था, बिल्कुल पार्क की नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से इतनी ठंड थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, और 2 घंटे उसी ठंड में रही, तो अभी मुझे अजीब सा फील हो रहा, मतलब बहुत सर्दी लग रही है, तो अभी नहा के देखते हैं रिफ्रेशमेंट होगी बॉडी में। और आज कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, जो भी मिलेगा मैं दिखाती रहूँगी। अभी सुबह तो आलू पूरी बनी है तो वो मैंने खाई नहीं, तो अभी 11 से 12 कुछ स्पेशल बनने वाला है तो वो डायरेक्ट मैं दिखाऊंगी। अभी मैं नहा के पूजा कर देती हूँ पहले, सो मिलते हैं गाइज नहाने के बाद भोजनालय में। सो गाइज आई एम डन विद मॉर्निंग पूजा, और सुबह सुबह मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया एंड्रॉयड वाला। सो गाइज मेरे साथ हो चुका है पोपट बहुत बड़े वाला, मेरा फ़ोन एंड्रॉयड पानी में गिर गया, और पानी में गिरती है उसका स्पीकर ख़त्म हो गया। अब घर जाऊंगी तभी ठीक कराऊंगी, तो कुछ आइडिया हो तो मुझे बताना कि वो कैसे ठीक होगा। स्पीकर में एकदम से जैसे पानी में गिरा वो एकदम से, जैसे वॉल्यूम अगर 100 पे है तो वो 10 पे आ गई, वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कुछ आइडिया हो तो, फिर वरना मैं दुकान पे तो लेके जाना ही पड़ेगा फ़ोन वाले के पास ठीक कराने के लिए। सो ठीक है गाइज अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी, और हाँ मैंने बनाई है चाय, सी माय चाय। सो गाइज अभी मैं कॉम करके आई हूँ, कॉम मेरी हो गई है, अभी मैं कॉम करने के बाद मैं ऑयलिंग करूँगी। तो यहाँ आके मुझे अभी 10:30 का टाइम हो रखा है सुबह का, तो यहाँ आके मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जो टाइम मिले उसको वेस्ट मत करो, फटाफट से उसको इन्वेस्ट कर लो, अपने काम में कर लो या कैसे भी करके, क्योंकि फिर वो टाइम चला जाता है और फिर वो वेस्ट ही हो जाता है अगर उसको आप सही से यूटिलाइज नहीं करते हो सही जगह पे, फिर वो वेस्ट ही हो जाता है। तो जब भी टाइम लगे उसको यूटिलाइज करो। तो वैसे तो डेली मसाज करने का तो टाइम वैसे भी नहीं होता, तो हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं, अगर इसको भी मिस कर देंगे तो फिर क्या ही बात है। सो ठीक है गाइज मैं चंपी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं हम चंपी के बाद। और अभी तो मेरे बालों में इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी पहले जितना हेयर फॉल नहीं हो रहा है, अभी तो मेरी हेल्थ सुधर गई है पहले से। भगवान ने सोचा कि अब तो इसके बाल झड़ने रोक देता हूँ वरना टकली हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ आने के बाद इतना हेयर फॉल हुआ, अगर उसी लेवल पे हेयर फॉल होता रहता तो फिर मैं टकली हो जाती। फिर आप सोचते पायल दीदी के बाल कहाँ गए, पायल दीदी के बाल कहाँ गए। अब यहाँ का पानी लगा लो, पानी ही है यहाँ का, वाटर काफी हार्ड है तो जिस वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सबका ही होता है वैसे यहाँ पे, बट मुझे था कि मेरा नहीं हुआ, बट मेरा भी हुआ हेयर फॉल। फिर भी मतलब फालतू बन गए, कोई नहीं और ले आऊंगे। पर सो गाइस पकोड़े खा के आने के बाद तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्याज और लहसुन बंद है यहाँ पे, तो बिना प्याज और लहसुन के सारी चीज़ें बनी थी, चाहे वो पकोड़े हो चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने साफ़ सफाई करी, टेबल साफ करी और झाड़ू निकाली, पोछा लगाया, तो ये सारा मेरा रूटीन था। तो काफ़ी टाइम लग गया इसको साफ़ करने में, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैं हाथ के साथ पोछा लगा रही हूँ। सो गाइस अभी झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, टेबल साफ करी, बालकनी साफ करी और लाइट भी भाग गई, फिर आ गई। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अभी हिम्मत नहीं इतना सारा काम करने की, क्योंकि दो चक्कर फिर नीचे भी लगे। पहले पकोड़े खाने गए, फिर चम्मच और ग्लास नहीं था तो चम्मच और ग्लास लेके आए लस्सी लेने के लिए। और अभी नहीं बर्तन साफ करूँगी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, तो बाद में बर्तन साफ करके रख दूँगी। अभी शायद 2 बजने वाले हैं, शाम को देखूंगी, 5-6 बजे बर्तन साफ करूंगी। चलो और आज तो दरवाजा बंद रखूंगी, अब पता लग गया मच्छर फिर से आने लग गए पास। सो गाइस सर धो के आई थी मैं, और सर धोने के बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा बेड साफ किया और इधर उधर जो सामान रखा था वो सही किया, और फिर मैं अपने कपड़े जो सूख गए थे वो उतार के लेके आई, फिर एक एक कपड़े को तय करके रखा। फिर मैं थक गई थी तो मैं पानी पिया। फिर so guys, समोसा पार्टी। गाइस इवनिंग पूजा, और अभी वो साफ करना है मुझे, इसलिए अभी प्लेट वगैरह साफ करनी है, तो मौका नहीं मिला, तो आने के बाद करूँगी सब कुछ साफ। अभी दूध लेने जा रही हूँ मैं। सो गाइस ये सारे बर्तन वॉश करके लेके आई हूँ, ये भरा पड़ा बर्तनों का, बावड़ी हो गई मैं तो बिल्कुल। आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम रेड सॉस पास्ता खाया, सो आई गॉट अ पास्ता ट्रीट फ्रॉम माई फ्रेंड एंड इट वॉज गुड एंड टेस्टी, नॉट सो बैड। अभी हॉस्टल में खाने को मिल रहे हैं तो क्या ही बात है बस।
सो गाइस दिन भर का ऐसा रूटीन फॉलो को करने के बाद बादाम वाला दूध पी के सो गए थे, बढ़िया नींद आई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम एवरीवन।